नहीं देखिए कि पहले से लड़के को बचाओ, रिपोर्ट हम बाद में करेंगे। हम प्रदुम सिंह ने की जो यहाँ के इंचार्ज हैं और बाकी सभी स्टाफ थे यहाँ पे, हम इतना अगर वो चाहते तो वो लड़का बच सकता था। ये होता है पुलिस वालों का कायदा बुलाने का, पुलिस वाले चाहते तो उस टाइम बुलाते, उनको लड़कों को जेल भी होगी और फिर जो लड़की जो उसकी माँ पांच लड़की है उस लड़की का पूरा खर्चा भरपाई भी करेंगे। भी है सब आदमी पैसा नहीं देगा तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? बोलते थे कि पुलिस वाले रक्षा के लिए खड़े होते हैं, कहीं नहीं रक्षा है, पक्षा था पुलिस वाले बीच में आते कि सब रिश्वत खोरी लेते हैं यहाँ पे। जो एक दिन की बात है, तीन दिन लगातार हेलमेट नहीं है, वो नहीं है, खड़े हो जाएंगे चौराहे में, जेब में खाली हो खड़े हो गए पैसे काटने। करम भूमि टीवी में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ नीरज, और आज हम पहुंचे हैं हल्दू खाता में। यहाँ मर्डर केस को लेकर पब्लिकों में जोश है, गुस्सा है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। मेरा उर्मिला देवी, उर्मिला देवी मेरा नाम, उनको आपस में लड़ाई भिड़ाई होगी, उनने मार दिया उसको जान से, ये भी चोट लगी कॉपी की नस पट गई, उन्हें इलाज करने के लिए उन्होंने लिख के दे दिया, उनको पुलिस वालों ने लिख के दे दिया कि इनको छोड़ दो छोड़ दो, हाँ वो मुलजिम को छोड़ दो। जसोदर पुलिस चौकी ने कोई कुछ नहीं साफ नहीं करा सर, हमको हमारा हम न्याय चाहते सर, न्याय। मामला ये है 20 तारीख की रात का मामला है, ये 11 तारीख का, 11 तारीख को 11 बज रहे थे उस टाइम पे, यार किस तारीख की, 20 तारीख की बात है ये। उस टाइम उस लड़के को पहले तो वो घर आ गया था, सब कुछ मिला घर मिला गया था, घर जाने के बाद वो फिर दोबारा गया, उसको पता नहीं बुलाया गया ये जैसे भी था। उस लड़के के साथ मैंने ना हत्या पाई की, तीन चार लड़के थे और उसके साथ मारपीट की, मारा ऐसे गया, हमने पूछा क्यों मारा तूने, अरे मेरे से ऐसे हाथ लग गया, वो गिर गया, कैसे गिर गया, ऐसे गिर गया जो उसके मतलब कर दिया, वो ऐसे मारपीट करी उसके साथ में। फिर पुलिस वालों, आज हमें तो पता नहीं था, पड़ोस वालों ने हम फोन किया पुलिस चौकी में, ठीक है वो पुलिस चौकी में फ़ोन किया, पुलिस को प्रदुम सिंह ने की और पुलिस वाले आए वहाँ पे, 108 उन्होंने बुलाई, 108 बुलाने के बाद तब उसको भर्ती किया गया। फिर दूसरे दिन हमें पता लगा तब सब गए वहाँ पे रिपोर्ट कराने के लिए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी कि पहले से लड़के को बचाओ, रिपोर्ट हम बाद में करेंगे। प्रदुम सिंह ने की जो यहाँ के इंचार्ज हैं और बाकी सभी स्टाफ थे यहाँ पे, हम इतना जो भी थे यहाँ पे, पर उनको अगर वो चाहते तो वो लड़का बच सकता था, उन लड़कों को उन्होंने बुलाया नहीं, उनको बुलाओ तो उन्होंने बोला कि वो दीपावली मनाने गए हैं, वो भैया दोस्त के बाद आएंगे। ये होता है पुलिस वालों का कायदा बुलाने का, पुलिस वाले चाहते तो उस टाइम बुलाते, उनको उठा कर लाते, इलाज करवाते उस लड़के का, अगर प्राइवेट में करवाते इलाज उसका कि भाई हम उस लड़के को प्राइवेट में डालते हैं, जितना भी खर्चा होगा हम लगाएंगे, लड़का बचना चाहिए। पुलिस वालों ने कोई दबाव नहीं डाला उनके ऊपर, ये होता है पुलिस वालों का कायदा, पुलिस वालों ने बिल्कुल लापरवाही की है। और हमें हमारी मांग ये है उन लड़कों को जेल भी होगी और फिर जो लड़की जो उसकी माँ पांच लड़की है उस लड़की का पूरा खर्चा भरपाई भी करेंगे, हम हमारी मांग है। और जो प्रशासन है इस प्रशासन को जितना भी है सब कराना है हमने, हमें ये नहीं करेंगे क्योंकि गरीब आदमी की नहीं सुनेंगे, अमीर आदमी अमीर आदमी पैसा दे देगा तो वो बस चुप होके बैठ जाएंगे, गरीब आदमी पैसा नहीं देगा तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? बोलते थे कि पुलिस वाले रक्षा के लिए खड़े होते हैं, कहीं नहीं रक्षा है, पक्षा था पुलिस वाले बीच में आते, कोई सच्चा पुलिस वाला होगा जो ईमानदारी से काम करता है, यानी बाकी सब रिश्वत खोरी लेते हैं यहाँ पे। जो एक दिन की बात तो चार दिन की बात होती है, तीन दिन लगातार हेलमेट नहीं है, वो नहीं है, खड़े हो जाएंगे चौराहे में, जेब में खाली हो खड़े हो गए पैसे काटते, ऐसे नहीं होता। सब मजदूरी को भी देखना चाहिए, कोई गरीब है अमीर है, बात सुनते हैं नहीं सुनते हो। पूजा देवी हमने बोला भी, हमने बुलाओ ना, हमने बोला भी, हमने बुलाओ ना।